हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धितिमन। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती का नया नोटिस जारी हुआ है, जहां पर बीएड और सीटेट नहीं मांगा गया है, ना ही कोई आप लोगों का यहां पर एग्जाम होगा। तो सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से यहां पर होगा, तो मेरिट के आधार पर होगा। और ये मेरिट कैसे तैयार होगी, 25 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के रहेंगे और 75 मार्क्स जो कि आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर रहेंगे। यानी कुल मिलाकर 100 मार्क्स में से आपकी जो है मेरिट तैयार होगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो चंडीगढ़ रीजन से यह वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ स्किल एजुकेशन। तो अब जो है हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे और एज देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका बीएड और सीटेट नहीं मांगा गया है, केवल मास्टर डिग्री जो है वो आपकी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। पीजीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें पीजीटी फूड प्रोडक्शन, यहाँ पर आप लोगों के पास होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसकी जो है यहाँ पर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन के लिए भी जो है यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है। नेक्स्ट जो है पीजीटी हेल्थ केयर, तो यहाँ एमएससी बायोसाइंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी या नर्सिंग में आपने अगर किया है या एमबीबीएस किया है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। आईटी में अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस यदि आपने किया है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए भी जो है वो मास्टर डिग्री ही मांगी गई है और योगा की यहाँ पर वैकेंसी है, जहाँ एमएससी जो है वो योगा में मांगी गई है। साथ में इन्होंने पीजीटी योगा के लिए यहाँ पर कहा है, अगर आपके पास एमपीएड विद योगा जो है एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन वीपीएड एंड एमपीएड में, ठीक है। एज लिमिट जो है वो यहाँ 50 साल जो है वो रहने वाली है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो इन शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया था, बाकी डिटेल यहाँ पर बिल्कुल लिखी है। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसके 50 मार्क्स के आधार पर, और उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन यदि आपने हायर क्वालिफिकेशन ली है, पीएचडी, एमफिल, एनी अदर रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो आप जो है उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस है तो उसके जो है 15 मार्क्स मिलेंगे आपके सब्जेक्ट में। इस तरीके से 75 मार्क्स जो है वो आपके जितनी भी पोस्ट हैं यही प्रोसेस रहने वाला है। बाकी जो है 25 मार्क्स जो है वो आपके पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि इंटरव्यू का आपका रहेगा। तो टोटल 100 मार्क्स का जो है वो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो है पीजीटी फॉर स्किल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सैलरी जो है वो आप लोगों को मैंने बताया, नॉर्मल स्टेशन के लिए यहाँ पर सैलरी 35,750 है और हार्ड स्टेशन रहेंगे तो 42,250 है। तो एप्लीकेशन जो है वो आप कैसे करेंगे, तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ रीजन से वैकेंसी आई है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर लेटेस्ट सर्कुलर्स में जो है वो आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। मोर सर्कुलर्स यानी सारी चीजें जो है हम ओपन कर लेते हैं एक बार। ये जो है यहाँ पर फर्स्ट जो दिया है 23/8/2023 यानी कि आज की ही डेट में जो है ये पब्लिश हुई है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कंप्लीट आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग यहां इसे डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को हर पोस्ट के लिए यहां अलग अलग जो है वो लिंक दिया हुआ है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन योगा के लिए जो है सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है लिंक, उसके बाद जो है यहां पर फूड प्रोडक्शन के लिए, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, सभी के लिए जो है अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। इसी पर जो है वो आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल कर लेना है। तो अब जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या रेगुलर है, ये चीज जो है नोटिफिकेशन में इन्होंने नहीं शो की है। तो अगर आप एप्लीकेशन करेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो वहां जो है वो आप लोगों को इस चीज की जानकारी मिलेगी। तो चलिए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री है आपकी इन सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग एप्लीकेशन करें। एग्जाम आपका नहीं होगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन विद आप इंटरव्यू, इसके आधार पर मेरिट तैयार होगी और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।